हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुल आज अपनी क्लास थोड़ी सी सक्सेस नहीं हो पाई जूम ऐप पे, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। तो अपना फोर्स का चैप्टर है ना, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है विद एनसीईआरटी। आज हम कुछ एक एचसी वर्मा की प्रॉब्लम देखते हैं, जो थोड़े से फोर्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन उसमें एक फोर्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। उसके बेसिस पे दो तीन क्वेश्चन हम करते हैं आज। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 20, ठीक है? आज स्पेशल एचसी वर्मा क्लास है बस, और फोर्स की लास्ट क्लास है, ठीक है? और तो कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं खुद, ठीक है? क्योंकि मैंने इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको टाइप बता दिए हैं, ट्राई खुद आपको ही करने हैं। तो एक टॉपिक में ले रहा हूँ इफेक्ट ऑफ बायंसी, ठीक है? अब यहाँ पे एक बायंसी इफेक्ट भी आता है। आपको पता है बायंसी किस में रहता है? ठीक है, बायंसी एक लिक्विड में होता है, लिक्विड में, ठीक है? ये बाकी हम 7th यूनिट जब आपके आएगी ना, तो पूरी बायंसी की आएगी, लेकिन उसके कुछ पार्ट यहाँ भी दे, कुछ क्वेश्चन यहाँ दे दिए कि उस पर फोर्स किस तरह एक्ट होंगे। जैसे 20 क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूँ, तो 20 क्वेश्चन में क्या कह रखा है देखो आप एक बार। उसमें ये कह रखा है एक एम्प्टी बॉक्स है एम मास का, ठीक है? बिल्कुल एम्प्टी है, और वो किसी लिक्विड में रखा हुआ है, ठीक है? और ये जी बाई 6 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इसमें पूछ ये रखा है इस ब्लॉक में हम कितनी सैंड रेत ऐड कर दें, रेत डाल दें इस ब्लॉक के अंदर, कि ये जी बाई 6 से नीचे आने लग जाए, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन में क्या कह रखा है? अगर मैं 20 क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊं, एक सेकंड आप रुकिए। ठीक है, ये क्या रखा है? एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप द रेट ऑफ g बाई 6 व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड द वाटर। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो मे इट कैन एक्सेलरेट इट डाउन विद द रेट ऑफ g बाई 6, ठीक है? तो हमने मान लिया m नोट, हमने इसके अंदर सैंड ऐड कर दी, पहले इसका मास m था, अब इसका मास टोटल कितना हो गया m प्लस m नॉट, ठीक है? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे दोनों के। देखो किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज m, इसका वेट नीचे की तरफ क्या होगा mg, एक्सेलरेशन है वो g बाई 6 से ऊपर जा रही है, और जो लिक्विड का बायोमेट फोर्स है वो कहा लगेगा ऊपर, ठीक है? तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन तो बी पॉजिटिव माइनस एम जी, नेट फोर्स कितना हो गया एम इंटू जी बाई 6, ठीक है? इसी तरह इसमें बना के देखू मैं एम प्लस एम नोट, ठीक है? बायोमेट फोर्स अब भी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या हो गया एम प्लस एम नोट इंटू में जी, लेकिन अब एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है जी बाई 6। इसकी इक्वेशन लिखो अगर मैं, तो देखिए अब की बार नीचे एक्सेलरेशन है तो नीचे वाले टर्म पॉजिटिव एम प्लस एम नोट जी और माइनस बी इज इक्वल टू एम प्लस एम नोट जी बाई 6 नेट फोर्स। चलिए ये चीजें यहां तक याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये तो इक्वेशन अपनी बन गई। इसके बाद हम क्या करें, आप अब हमें एम नोट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? एम नोट की वैल्यू हम किस तरह निकालें,
देखिए सिंपली इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। तो देखो यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, इसको मैं डालता हूँ डायग्राम को। देखो इनको मैं ऐड करूँ तो बी से बी कैंसिल, ठीक है, एम जी और एम जी से एम जी कैंसिल, तो बचेगा क्या इस साइड लेफ्ट हैंड साइड एम नॉट जी, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद यहाँ है एम जी बाई सिक्स प्लस में एम प्लस एम नॉट जी बाई सिक्स, राइट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, एम नॉट जी इस टर्म से कॉमन क्या रहा है, जी बाई सिक्स कॉमन आ रहा है, एम प्लस एम नॉट जी से जी कैंसिल, सिक्स इस साइड ले आओ, सिक्स एम नॉट ये कितना बच गया, टू एम प्लस एम नॉट इस साइड लेके आएंगे तो कितना बच जाएगा, ये फाइव एम नॉट इज इक्वल टू टू एम, एम नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू एम बाई, इसका मतलब हम इतना मास ऐड कर दें इसमें टू एम बाई फाइव का, तो ये जी एक्सेलरेशन जी बाई सिक्स एक्सेलरेशन से नीचे आ जाएगी। क्लियर ही चीज़ें समझ में आया ना, इफेक्ट ऑफ बायंसी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, 19, ठीक है, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो 30 मिनट से ऊपर नहीं जा पाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो शायद आप ट्राई नहीं करते होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा है पैराग्राफ में, लेकिन आप समझने की कोशिश करो इसको क्या रखा है, लाइन टू लाइन, द फोर्स ऑफ बायोएंसी एग्जर्टेड बाय द एटमोस्फियर ऑन ए बैल्यून, ठीक है, ये कह रखा है एक बैल्यून है, ठीक है, उस पर एक बायोएंसी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और ये हमेशा बी ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन में रखा है, द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द बैलून अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स है और वेलोसिटी है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस है ना वो अपोजिट है वेलोसिटी के और इसके प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू इट, ठीक है। द बैलून कैरीज ए मास एम एंड इज फाउंड टू डाउन, ये कह रखा है इस बैलून का मास एम है और वो नीचे की तरफ आ रहा है किस स्पीड से, वी स्पीड से, और ये वी भी बता रखा है कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा वो कितना लग गया, देखो ये इससे अपोजिट अभी पहली लाइन बताया था, जिस साइड वी लगेगा ना उससे अपोजिट साइड एफ लगेगा, जिस साइड वी है उससे अपोजिट साइड एफ है, इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाएंगे तो हमने के भी लगा दिया बस। अब कह क्या रखा है इसमें, ये कह रखा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून सो दैट इट मे राइज विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, ये कह रखा है कि अब इस बैलून में हम कितना मास रिमूव करें, रिमूव का मतलब हमने मान लिया आपकी बार, पिछली बार हमने क्या किया था, ऐड किया था क्योंकि सैंड ऐड करनी थी, इसमें हमने क्या करना है मास कम करना है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चलने लगे तो ऊपर की तरफ चलने लगेगा तो इसका फोर्स फिर दोबारा नीचे हो जाएगा, ये तो पहली बात समझ में आ गई आपको, ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे, इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, बायोन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ रखा है रिमेन्स कॉन्स्टेंट है, बस हो गया 16 का। ये हम नोट आपको निकालना है दोबारा, देखो किस तरह निकालेंगे हम, देखो नीचे की तरफ अगर मैं वेट देखूं तो कितना है यहाँ पे एम जी, नीचे की तरफ अगर मैं वेट देखूं तो कितना है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो दोनों फोर्स को बैलेंस कर दीजिए, बता देखो किस तरह करेंगे, सीधा सीधा बैलेंस करिए आप, बैलेंसिंग क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए, देखो ऊपर की तरफ दो टर्म है, क्या क्या है, के वी प्लस बी इज इक्वल टू एम जी, नीचे की तरफ क्या है एम जी, इसमें देखिए बी प्लस वी, ठीक है, बी प्लस वी इज इक्वल टू के वी इंटू में एम माइनस एम नॉट इंटू में जी,
ठीक है, तो वी तो कॉन्स्टेंट दे रखा है यहाँ पे, तो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, समझ गए ना, ये वी इसमें कॉन्स्टेंट है तो वी की वैल्यू जीरो है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो। आप किस तरह सोल्व करोगे, आप देखो आप क्या करो, अच्छा इसमें ये ऐड कर देना, हाँ प्लस में, ठीक है के वी प्लस आएगा, देखो एक मिनट रुको, एक मिनट देखिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, नीचे की तरफ है के वी और ये प्लस में है एम माइनस एम नॉट जी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था लेकिन ये ऐसा आएगा और इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो इस फोर्स को हटा दो बस किसी तरह से, ठीक है, आप क्या कर दे फिर सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट देखो सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, के वी से के वी कैंसिल, ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो टर्म बचेगी बी माइनस एम माइनस एम नॉट इंटू जी, ठीक है, स्पेस इसको हटा रहे हैं, इज इक्वल टू एम जी माइनस बी, ये टर्म आ गया मेरे पास, बस मैथमेटिक्स आगे सोल्व तो कर लोगे ना, देखो उसके बाद बी को साइड लिया तो टू बी हो गया, उसको इसको साइड लेके जाएंगे तो देखो एम जी आपकी कैपिटल एम है, ठीक है, ये भी कैपिटल एम है, एम जी यहाँ से आप लेके जाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा एम जी, और ये प्लस यहाँ हो जाएगा तो साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये स्मॉल एम ले रखा है एम नॉट, ठीक है, तो टू बी इज इक्वल टू आ गया टू एम जी और माइनस एम नॉट, एम नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या कीजिए, टू एम जी माइनस बी टू बी अपॉन में जी, टू ऊपर से कॉमन आ गया और यहाँ से अगर मैं लिखूँ टू बाई जी इज इक्वल टू एम माइनस बी बाई जी, ये इसका रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है, मतलब ये तो एक सिंपल सा हमने क्या किया है, सोल्व किया है बस इसको, एक बार देख लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 टू हाई जी आने आएगा, ठीक है, टू एम सही है माइनस बी बाई जी, सही है ठीक है, यही आएगा, ठीक है, ये जी हमने यहाँ ले दिया था, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ओके क्लियर, ये चीज़ें दूसरे क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, हो गया होगा, आसान नहीं लग रहे होंगे अब तो आपको, ठीक है, अगर आपको फ्री बोल डायग्राम मारने आ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, पता है क्या सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन अपने बस की बात नहीं है, ठीक है, तो आप ये माइंड में जरूर रखो कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान मिलेगा आपको, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें जीवन मिलेंगी, ठीक है, क्लियर है, अब मैं बढ़ता हूँ एक क्वेश्चन की ओर तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक डायग्राम ऐसा दे रखा है कि आप ये सोचेंगे क्या दे रखा है इसमें, लेकिन है बहुत आसान, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखो मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से बता रहा हूँ, ये कह रखा है एक आदमी है और ठीक है, एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, ठीक है, ऐसा एक आदमी है, ठीक है, वो किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, ठीक है, और इस गड्ढे की जो डेप्थ दे रखी है ना वो दे रखी है डी, ठीक है, इस गड्ढे की डेप्थ दे रखी है डी, ठीक है, अब पूछ ये रखा है इसमें, ए मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ डी एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, दो फ्रेंड है उसको स्लोली पुलिंग कर रहे हैं, स्लोली का मतलब देखो क्या है, तो कहीं भी ये वर्ड मिले कहीं भी, स्लोली पुलिंग, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है हमेशा, ठीक है, ऑलवेज ये ध्यान रखोगे ना इस बात को, ए लाइट रोप एंड टू फिक्स पुलीज आर शोन इन द सो डेट द फोर्स एग्जर्टेड बाई ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप, फाइंड द एरिया, फाइंड द फोर्स, दो चीजें निकाल लीजिए, देखो क्या क्या करना है, देखो इक्वल फोर्स है इसको खींच रहे होंगे दोनों, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई मान लेते हैं एच, हाइट तक नीचे है, ठीक है, अब मान लेते हैं ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बाय सिमेट्री, ठीक है, न्यूटन्स लॉ आप एक बार लगा के देखिए, देखो
एक पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बना के दिया था, तो दोनों पे सेम लग जाएगा। नीचे की तरफ इसका वेट mg, इस पर्सन का वेट, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये कंपोनेंट f, तो यहाँ वाली साइड क्या हो जाएगी, f cos थीटा, ठीक है। इसी तरह ये भी f था, ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, f cos थीटा, इसका मतलब, और ये वाली साइड अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, f sin थीटा और f sin थीटा, ये दोनों तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, समझ गए ना इस चीज को, थीटा वाली साइड cos थीटा, अपोजिट साइड क्या हो गया, sin थीटा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा 2F cos थीटा इज इक्वल टू कितना लग रहा है, mg, और F इज इक्वल टू कितना लग रहा है, mg अपॉन में 2 cos थीटा, क्लियर है चीजें, फोर्स हमें निकालना आ गया यहाँ तक। अब इसमें पहला काम ये बता रखा है कि फोर्स किस तरह इंक्रीज करेगा, देखो जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा थीटा इसका बढ़ेगा, ठीक है, तो थीटा इंक्रीज करता है, तो आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो कोस थीटा हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है, और कोस थीटा डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी बात जो पूछ रखी है, ये फोर्स पूरा बताना, यहाँ पे कितना लिखा रखा है, देखो एम जी अपॉन में टू कोस थीटा निकाल रहे हैं एंगल से, देखो अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूँ, टोटल डिस्टेंस डी थी, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, दैट इज डी बाई टू, क्लियर है चीजें, ओके। तो इसमें कोस थीटा आप निकालो, कोस थीटा क्या होता है बताइए, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इसका बेस तो ये हो गया एच अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एच का स्क्वायर प्लस में डी बाई टू का स्क्वायर, हो गया अपना काम, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, एम जी अपॉन में टू एच इंटू में एफ स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई फोर, थोड़ा सा इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं, एम जी इस फोर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे फोर है ना, तो फोर एच ही आ जाएगा, क्योंकि फोर का स्क्वायर कितना होता है टू, बाहर आ गया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होगा फोर एच स्क्वायर प्लस में डी, बस यही आंसर होगा, एम जी अपॉन फोर एच और रूट फोर एच स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, देख लेता हूँ आंसर, एम जी अपॉन फोर एच डी स्क्वायर प्लस में फोर एच स्क्वायर, बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है, समझ में आने का रीज़न यही होगा कि आपने पहले इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको आराम से ये क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब तक थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ क्वेश्चनों की, दे देता हूँ, एक बार टाइम कितना हो गया, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक बार 8, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये मैं रैंडमली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आप देखेंगे कंपटीशन एग्जाम का, ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो 8 बिल्कुल सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये ध्यान रखना, जैसे कंपटीशन में मोस्टली जैसे नीट का जो कंपटीशन होता है, नीट का वो तो एनसीईआरटी से बाहर जाता ही नहीं है, उसमें तो एलएन के रेजोनेंस के बहुत आसान लेवल क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतने हाई लेवल के नहीं आते, इसीलिए हमने ये प्रोसेस कर रखी है कि आप बस एनसीईआरटी और रिसीवर मॉक कंप्लीट कर लें, किसी तरह से काम हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है सभी जगह, स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, सभी वीडियोज़ पे ही लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ का सिलेबस पीछे है, कुछ का सिलेबस आगे है, ठीक है, मेरा कंटिन्यूटी का डालने का मतलब ये है कि आप डेली पढ़ सकें, आपका पोर्शन ना छूटे, ठीक है, आप बस इतना करके काम करते रहिए, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको मत करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कीजिए, ठीक है, हर चीज़ का डिफरेंस के लिए टाइम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कंटिन्यू में लगे रहिए, ठीक है, एक दिन आप में खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, कि आपको लगेगा कि मैं बहुतों से ऊपर हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं 8th क्वेश्चन में चल रहा था, देखो 8th क्वेश्चन में क्या कर रखा है,
ये क्या रखता है, एक रेनड्रॉप है, एक रेनड्रॉप है जिसका रेडियस है 1 mm, 1 mm का मतलब 10^-3 meters, ठीक है, और उसका मास है 4 मिलीग्राम। देखो मिलीग्राम को किलोग्राम बदलेंगे ना तो कितना आएगा, इतना आएगा भाई, मिली का मतलब होता है 10^-3 और ग्राम फिर आगे है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10^-3। इसमें काफी बार मिस्टेक कर देते, सीधा ले देते 10^-3, ठीक है। आर फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 30 meters per second, इसकी स्पीड दे रखिए 30 meters per second। ऑन द हेड ऑफ ए बाल्ड पर्सन, अब ये क्या रखा है, एक बाल्ड, एक गंजा आदमी है, उसके सिर पे ये ड्रॉपलेट गिर रही है, ठीक है, और उसके बाद कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे लगती है, तो ये यू था और वी के कहा आ गया 0। अब कह रखा है द ड्रॉप स्प्लैशेस ऑन हेड एंड कम्स टू रेस्ट, अज्यूमिंग इक्विवेलेंटली द ड्रॉप कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस। अब ये रखा है जो इसकी डिस्टेंस है ना वो किसके इक्वल कर रखी है, रेडियाई के, द फोर्स एग्जर्टेड बाय इज ड्रॉप ऑन द हेड, हेड पे आपको फोर्स बता रहा है। देखो आसान से काम, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप अगर पढ़ लें तो आसान से काम है। देखो एक्सेलरेशन निकालो पहले, वी है आपके पास, यू है आपके पास, एस है आपके पास, यहां से ए आ जाएगा आपका, कर लोगे ना यहां से ए, तो क्योंकि अब मैं हिंट बता रहा हूं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा यहां से, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेलरेशन लगभग बहुत ज्यादा आएगा, लार्ज आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, करके देखेंगे आप, एक्सेलरेशन बहुत बहुत ज्यादा आएगा तो आप सीधा इक्वेशन लगा सकते हैं फिजिकल टर्म में, ठीक है। अगर ये इक्वेशन स्मॉल होता ना तो आपको फिर इक्वेशन बनानी पड़ती, मेरी बात समझ रहे हो आप, अगर ये लार्ज नहीं होता, स्मॉल होता एक्सेलरेशन तो आपको इक्वेशन लगानी पड़ती, यहाँ पे बैलेंस करने पड़ते फोर्स, लेकिन एक्सेलरेशन इतना बड़ा आ जाएगा लगभग 50,000 के आसपास आ जाएगा तो उस जी की वैल्यू नहीं रहती फिर कुछ भी उसके आगे, एक 50,000 है, एक 10 है, उसकी वैल्यू फिर क्या है, नेगलिजिबल है, ठीक है। जैसे हम सीधा फिर फोर्स इक्वल टू लगा देंगे एम ए और आप 500 आ जाएगा, करेक्ट, क्लियर, ये चीजें समझ गए, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, देखिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 35। मैं डायग्राम आता हूँ एक बार, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन दोनों कंपटीशन में ऑलमोस्ट आते हैं। देखिए ये एक पुली है, यहाँ से एक ब्लॉक अटैच है और उसका है 500 ग्राम, मतलब इस टाइप के आते हैं, बता, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्ड आपको ये मिल जाए। यहाँ पे एक ब्लॉक रख रखा है, ये है 100 ग्राम का, ठीक है, नीचे एक और पुली है यहाँ पे और इसके साथ एक मास और है और ये है 50 ग्राम का, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इस गिवन कंडीशन में आपको बताना ये है, क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ब्लॉक, एक्सेलरेशन आपको निकाल लिया, ठीक है, कैसे निकाले, ठीक है। देखो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना दिखा देता हूं मैं, उसके बाद कैलकुलेट आपको खुद करना है, ठीक है। देखो अलग अलग लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। फर्स्ट अगर मैं ए की बात करूं, ए पे कितना वजन है, 500 ग्राम नीचे की तरफ हो गया, ठीक है, जी सा दे रखे, 500 kg का ये ब्लॉक है और नीचे की तरफ वेट अटेम्प्ट कर रखा है इसका 500 ग्राम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका ही वजन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ ऐसी मिलेगी आपको, पहली बात तो, ठीक है, मतलब हम सोच सकते हैं एक्सेलरेशन कुछ ऐसी मिलेगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो पुली से कनेक्ट है तो टेंशन टी, इसको मान लो T1, ठीक है भाई, T1 ये और T1 ये, एक पुली के साथ तो दोनों जो टेंशन होती है ना वो कनेक्ट होती है, तो T1 मान लिया हमने, ठीक है, इसके साथ आप टेंशन देखेंगे T2 और T2, बस ये बात समझ गए ना। देखो ये पुली अलग रोप है, ये पुली के अलग रोप है, तो इस पर T1 दोनों के लिए, इस पर T1,
आगे देखो, बैलेंस कर दो आप इसको, कुछ नहीं रखो। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो 500 जी माइनस टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, एम कितना है 500 इनटू में ए। बस दूसरा ब्लॉक देखते हैं, दूसरा ब्लॉक कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह के ब्लॉक मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। ये अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, इसका वेट इस तरफ, कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे। तो ये कंपोनेंट जो चलाता है ये हमेशा होता है mg sin थीटा का। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, मैं याद भी दिला देता हूँ, काफी बार ऐसा मैंने टॉपिक भी करवाया है, ये 25 क्वेश्चन दे लेना आप, ठीक है एक बार। तो इस कंपोनेंट को कौन सा कंपोनेंट चलाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। और ऊपर की तरफ टेंशन है टी वन, और एक रोप की टेंशन और है नीचे वाले की टी टू, क्योंकि ये पुल्ली के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसी मिलेगी, क्योंकि देखो ये एक्सेलरेशन ऐसी है और फिर दोबारा यहाँ जाके नीचे होगी, ऐसे ही घूमेगा ना। क्लियर ये चीजें, कर दो सॉरी इसको, देखो किस तरह करेंगे। टी वन पॉजिटिव ऊपर की तरफ एक्सेल, माइनस टी टू माइनस एम जी, एम कितना है, एम जी कितना है टोटल 100 जी, ये जी इसके साथ मल्टीप्लाई में एम जी यही है, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा कितना दे रखा है 30, साइन 31 बाई 2 इज इक्वल टू एम ए 100 ए। बस ये दूसरी इक्वेशन हो गई, क्लियर ही चीज। थर्ड और देख लो, थर्ड तो आसान ही है, ये 50 है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये टी टू है, ठीक है। तो देखो ऊपर की तरफ टी टू माइनस 50 जी इज इक्वल टू 50 ए, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1। अब तो कर सकते हो, देखो इसको आप ऐड, इन दोनों को आप ऐड कर दो, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या A, बच गया बस, आराम से आ जाएगा तीनों इक्वेशन सोल्व करते वक्त। ये तो कर लोगे ना आप इतना सोल्यूशन तो, ठीक है। क्लियर ये चीज़ें, तो देखो ऑलमोस्ट आपको HCA वर्मा तो पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसमें 42 क्वेश्चन थे, 42 क्वेश्चन को तो आपको करने ही करने, और आप इसको कॉपी में लिख लिया करें इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, कहीं भी आप कोई भी कंपटीशन की बुक में चले जाओ, कोई भी कंपटीशन बुक में सारे क्वेश्चन इसी बुक से ही बनते हैं, फिर इसी का ही इसी की टेक्निक लगा के फिर वो अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये अच्छे तरह से करेंगे, ठीक है। तो आज का जो फोर्स का चैप्टर है वो अपना पूरा कंप्लीट होता है। अब भी कोई आपको डाउट, एनसीईआरटी का वो करने ही करने हैं, ठीक है। अब भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं कभी भी संडे तक, ठीक है। नहीं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ का चैप्टर जब भी आप करो। लेकिन संडे के बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम होगा फ्रिक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। वो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा, लेकिन नया क्या रहेगा, बस उसमें काम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है, फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। बस वो ऐड और करना है, ठीक है। मतलब ये सरफेस अगर रफ दे दी तो उसको फ्रिक्शन और ऐड करके चलना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स हो रहा जाएगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।